Say intellectual property, then it becomes IPR. See, you have an idea and you express it. For that, you can copyright it. And if you have idea, innovation, invention, you can claim for patent. If idea is there and it alarms about quality and identity, then it is the matter of trademark. If idea is there और उसका appearing और उसका look जो है उसको that is the matter of design. और एक provision होता है आपको कुछ confidential रखना है तो trade secrets are there. Okay, see this is a bike और आप देखेंगे कि ये bike single bike how it is protected under IPR from various directions. See this is the attractive seat cover. Okay, it is the matter of industrial design. इसके साथ जो बुकलेट आता है दैट कैन बी कॉपीराइटेड. इसका जो फंक्शन है दैट इज पेटेंटेड. इसको यूएस का पेटेंट मिला है. ऑफ कोर्स जो ब्रांड है वो ब्रांड है ट्रेडमार्क दैट इज टीवीएस. दिस ट्रेडमार्क हैज गॉट अ मार्केट वैल्यू. ओके, अभी आगे चलते हैं. जैसे ये कोका कोला है तो कोका कोला का जो है बाकी आईपीआर उन्होंने लिए है लेकिन उसका जो पेटेंट जो है वो पेटेंट इसलिए नहीं लिया है क्योंकि उनको फॉर्मूला सीक्रेट रखना था. दैट इज द एग्जांपल ऑफ ट्रेड सीक्रेट. सेम विथ हियर प्रीमियर इज द ट्रेडमार्क. देन इसके कंस्ट्रक्शनल फीचर्स जो है वो पेटेंट राइट्स है. इसका बुकलेट कॉपीराइट एंड डिजाइन आप यहाँ पे देख सकते हो. निकॉन इज द ट्रेडमार्क. लुक इज डिजाइन एंड फंक्शन ऑफ कैमरा इज पेटेंटेड. इट इज निकॉन कैमरा. अभी आप टेलीविजन करके अगर सर्च करेंगे अगर पेटेंट इसमें तो आपको बहुत सारे पेटेंट जो है इसके नाम से आएंगे पेटेंट डेटाबेस. एक्चुअली इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन एंड इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड. और इसका जो ये है ऑफिसर है जो सीजी उनको उनको कहते हैं कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स डिजाइन्स ट्रेडमार्क्स एंड जीआई. इनके ऑफिसर्स कहाँ कहाँ है तो पेटेंट्स एंड डिजाइन्स के कोलकाता न्यू दिल्ली मुंबई चेन्नई में है. देन ट्रेडमार्क से मुंबई कोलकाता न्यू दिल्ली चेन्नई एंड अहमदाबाद में है. और हमारा जियोग्राफिकल इंडिकेशन का ऑफिस चेन्नई में है और कॉपीराइट ऑफिस न्यू दिल्ली में है राइट. लेकिन नागपुर हैज बिकम द हब फॉर आईपीआर एक्टिविटीज नाउ क्योंकि नागपुर में पेटेंट की इकलौती जो स्पेशल लाइब्रेरी है पेटेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम. आई हैव वर्क्ड विद दैट लाइब्रेरी फॉर 11 इयर्स. ओके, और अभी वो लाइब्रेरी को उन्होंने ट्रेनिंग सेंटर में किया है क्योंकि नाउ पेटेंट डॉक्यूमेंट्स आर अवेलेबल अंडर ओपन एक्सेस वेरियस डेटाबेसेस. तो इन्होंने इसको राजीव गांधी का नाम दिया है. राजीव गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट एंड इट इज सिचुएटेड नियर हिस्लप कॉलेज नागपुर. ओके, सो आप देखेंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री के अंतर्गत आपका इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी के ऑफिसेस आते हैं वेल कॉपीराइट का जो आता है वो मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी के अंतर्गत आता है. देन हियर यू कैन सी दिस इज द ऑफिशियल होम पेज ऑफ ipindia.nic.in. आपको यहाँ से पूरी ऑथेंटिकेटेड इंफॉर्मेशन मिलेंगी.
पेटेंट्स, रिजन्स, ट्रेडमार्क्स भी है। और ये आरजे एनआईआईपीएम का, अगर आप कोई एडवांस कोर्स करना चाहते हो आईपीआर का, तो यू कैन गो टू दिस लिंक। यहाँ पे देखिए पब्लिक सर्च करके एक लिंक है, फ्रॉम दिस पब्लिक सर्च यू कैन एक्सेस इंडियन डेटाबेसेस रिगार्डिंग आईपी, दैट इज पेटेंट का डेटाबेस, डिजाइन का डेटाबेस, ट्रेडमार्क्स का, यू कैन एक्सेस फ्रॉम हियर इवन द जीआईएस। ओके, देन दीज आर एक्ट्स एंड रूल्स गिवन, दीज आर मैनुअल्स एंड गाइडलाइंस। ओके, तो यहाँ से आप पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। नाउ पेटेंट, व्हाट इट इज? पेटेंट इज अ ग्रांट ऑफ एक्सक्लूसिव राइट प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट टू द पेटेंटी इन एक्सचेंज ऑफ हिज इन्वेंशन फॉर अ लिमिटेड पीरियड फॉर मेकिंग, यूजिंग, सेलिंग, इम्पोर्टिंग प्रोडक्ट्स और प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट्स और ऑथराइजिंग अदर्स टू डू सो। ओके, एंड टर्म ऑफ पेटेंट जो लिमिटेड टाइम के लिए होता है वो होता है 20 ईयर्स। 20 ईयर्स तक वो आपका मोनोपोली राइट होता है। ओके, नाउ जो पेटेंट राइट होता है इट एक्सक्लूड्स अदर फ्रॉम मेकिंग, यूजिंग, सेलिंग, ऑफरिंग फॉर सेल और इम्पोर्टिंग द क्लेम्ड इन्वेंशन फॉर 20 ईयर्स। एक टेरिटोरियल राइट होता है। देखिए ये जो पेटेंट ऑफिस सिचुएटेड है उनका ज्यूरिस्डिक्शन तय है। जैसे आप अभी नागपुर में बैठे हो तो आपको मुंबई ऑफिस को ही अप्रोच करना है। लाइक दैट वो स्टेट्स उन्होंने बांट दिए है वो ऑफिस को, आपको रिस्पेक्टिव ऑफिस में ही जाना है एज आपका स्टेट जो है उसके हिसाब से। देर आर वेरियस एक्ट्स एंड रूल्स विच गवर्न दिस रीजन। पेटेंट के कुछ एक्ट्स है आप देखेंगे, द पेटेंट एक्ट 1970, अब के अमेंडमेंट्स देखेंगे, इंडस्ट्रियल डिजाइन ट्रेडमार्क के एक्ट है, जियोग्राफिकल इंडिकेशंस, कॉपीराइट एंड रिलेटेड राइट्स, देन लेआउट डिजाइन्स ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स, बायोडायवर्सिटी एक्ट 2002, ये एक्ट्स है। अभी पेटेंटेबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? तो सबसे पहला पेटेंटेबिलिटी क्राइटेरिया है कि वो इन्वेंशन होना चाहिए, दैट इज नॉवेल्टी होना चाहिए। जो एग्जिस्टिंग चीज में आप नया कुछ लाते हो, न्यू प्रोडक्ट या नया प्रोसेस आप ढूंढ के लाते हो, तो वो इन्वेंटिव स्टेप हो जाती है, वो इन्वेंशन कहलाता है। और वो इट शुड बी कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। ओके, तो पेटेंटेबिलिटी के तीन क्राइटेरिया है, एक है नॉवेल्टी, दूसरा है इनोवेशन, तीसरा है प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। ओके, तो ये तीन ब्रॉड क्राइटेरिया है, हम अभी उसके बारे में देखेंगे। ओके, अभी आप एक स्लाइड यहाँ पे देख रहे हो, देखिए ये पुराने जमाने का मॉडल, वो मेरे पिया गए रंगून किया है वहां से टेलीफोन वाला, आप देख रहे हैं। और नाउ हम 4G 5G में आ गए हैं, राइट? तो दिस इज शोइंग द टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट। ओके, जब जब आपका टेक्नोलॉजी एडवांस हो, हेलो, वॉइस ब्रेक हो रही है, आवाज नहीं आ रही, आ रही है, क्लियर है मैम। ओके, मेरा नेटवर्क इशू का, नो प्रॉब्लम। ओके, ये टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट का उदाहरण है, आप देख रहे हो। ओके, जैसे टेक्नोलॉजी में मॉडिफिकेशन होता है वैसे पेटेंट के लिए अप्लाई किया जाता है, है उसमें नॉवेल्टी प्रूव होता है तो उसको पेटेंट ग्रांट होता है। अभी देखिए जैसे इनोवेटिव चीजें कैसे कैसे आ गई, जैसे हमने COVID-19 का प्रकोप सहन किया, पिछले एक साल से हम वही कर रहे हैं, राइट? अभी यहाँ पे देखिए हाथ का यूज ही नहीं है, थाइमोल पुट्स पेडल्स इन लिप्स टू कीप कोरोना वायरस एट बे, मतलब ये जो सिचुएशंस के अनुसार इनोवेशन हो रहे हैं टेक्नोलॉजी में, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको फ्लोर सिलेक्ट करने के लिए पैर का इस्तेमाल करना है, हाथ का नहीं। ओके, देन आगे आप देखेंगे कि अभी तक सैनिटाइजर जो होता था उसके लिए स्टैंड नहीं होते थे, अभी देखिए स्टैंड आ गए, क्यों? तो हाथ नहीं लगना चाहिए। ओके, तो इस प्रकार से जो मॉडिफिकेशन हो रहे, अभी यहाँ पे देखिए सीआरएस इंजीनियर develops contactless screening module to contain COVID-19। तो ऐसे नए नए चीजें जो है
सारे रिसर्च जो है हमें पिछले साल में देखने को मिला है। देखिए, आईआईटी मंडी मेक्स फेस मास्क फ्रॉम प्लास्टिक बॉटल्स टू फाइट कोविड-19 एंड प्लास्टिक वेस्ट। देखिए, तो इस प्रकार से भी नए नए रिसर्च जो है वो हमने देखे हैं। देखिए, इनोवेटिव आइडियाज सबके मन में आती है। ओके, जैसे ये है, हम ग्लू स्टिक यूज करते हैं तो वैसे बटर स्टिक भी तो यूज कर सकते हैं ना। सो इस प्रकार से कुछ कुछ इनोवेशन है। अभी देखिए, मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहूंगी, एक सेफ्टी पिन है, छोटा सा इन्वेंशन। ओके, April 10, 1849 वाल्टर हंट ने उसका पेटेंट लिया, 6281 US पेटेंट है, एंड सोल्ड हिज पेटेंट राइट्स टू द सेफ्टी पिन फॉर $400। अच्छा, तो $400 उस जमाने में, देखिए, उन्होंने उसके पेटेंट राइट्स को सोल्ड किया। अभी आप स्पेस नेट नाम का एक डेटाबेस है, यूरोपियन पेटेंट डेटाबेस है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट पेटेंट डेटाबेस है, उसमें अगर आप कीवर्ड्स डालेंगे सेफ्टी एंड पिन, तो मुझे कितने सारे पेटेंट्स आए आप देखेंगे, 1126। अभी आप सोचेंगे कि 1126 फॉर सेफ्टी पिन, हाउ इज इट पॉसिबल, उसमें क्या इनोवेशन हो सकते, क्या मॉडिफिकेशन हो सकते। सो दीज आर एक्चुअली डिजाइन पेटेंट्स। देर इज अ प्रोविजन ऑफ डिजाइन पेटेंट्स आल्सो, सिर्फ उसका जो टर्म होता है वो टर्म होता है 14 इयर्स का। और जैसे अपना कन्वेंशनल पेटेंट है उसको कैसे करना पड़ता है कि हर साल रिन्यू करना पड़ता है, अगर आप रिन्यू नहीं करेंगे तो पब्लिक डोमेन में आ जाता है। और ये डिजाइन पेटेंट को आपको रिन्यूअल की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसका टर्म ऑफ पेटेंट कम है, दैट इज 14 इयर्स है। वैसे ही देखिए, पुशपिन, मोर पुशपिन कंपनी का इसने इन्वेंशन किया और उनको पेटेंट मिला, राइट। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि इन 1900 मिस्टर एडविन मोर फाउंडेड अ न्यू कंपनी विद ओनली $112। हिज फर्स्ट सेल वाज वन ग्रॉस, दैट इज अ डजन ऑफ डजन्स ऑफ पुशपिन्स फॉर $2 ओनली। द नेक्स्ट ऑर्डर वाज फॉर $75 एंड हिज फर्स्ट डील, बिग डील ऑफ $1000। ओके, सो फॉर इस्टमन कोडक कंपनी। तो हमने स्पेस नेट डेटाबेस में पुश एंड पिन कीवर्ड्स डाले, तो आपको देखेंगे 187 पेटेंट्स आए उसके लिए। दीज आर ऑल्सो द डिजाइन पेटेंट्स। ओके, ना आगे चलते हैं। जैसे कोई हमारे रियल टाइम एक्सपीरियंसेस होते हैं, जैसे हम कहीं घूमने जाते हैं और वहाँ पे खेत वेत में जाते हैं, तो वहाँ पे ऐसे गोकरूक म्हणून एक फळ आपल्या अंगाला चिकटत, कपड्यांना चिकटत। तो जॉर्ज डी मेस्ट्रेल करके स्विस इंजीनियर था, तो उसने उसके ऊपर रिसर्च किया और वहां से उसने ये निकाला, क्या बोलते हैं उसको, वेलक्रो का इन्वेंशन किया। वेलक्रो का देखिए, उसको यूएस का पेटेंट मिल गया। अभी प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच में कैसे कंडीशंस होती है कि सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम है और उसके लिए आप कोई डिवाइस सॉल्व करने के लिए बनाते हो, देन यू कैन आस्क फॉर पेटेंट। ओके, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज द बाइसिकल स्टैंड। ओके, लेकिन ऐसा वर्टिकल बाइसिकल स्टैंड होने से 50% स्पेस सेव हो जाती है। ओके, सो ऐसे कोई इन्वेंशन है जिससे प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे हैं हमारे, सो दैट आर इनवाइटेड। देन टाइम रिलीज टैबलेट्स पे हम भी हमारे फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो है काम कर रहे हैं। ओके, टाइम रिलीज टैबलेट। देन कुछ फनी पेटेंट्स भी है, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि कैसे कैसे चीजों के लिए पेटेंट्स मिले हैं। यू कैन सी दिस इज एक्चुअली फनी भी एंड ऑल्सो वेरी यूजफुल ऑल्सो, दैट इज पोर्टेबल बाथ कैप्सूल। जैसे पेशेंट को उसमें डाल दो, उसको बंद कर दो, है ना, तो सो दिस इज बेड बाथ जो है वो आपको ये मिलेगा। दिस इज पोर्टेबल बाथ कैप्सूल, यूएस का पेटेंट। लेकिन ये देखिए, ये तो पिलर है इसको नहीं, लेकिन ये एक फनी पेटेंट मिला मुझे, बियर अम्ब्रेला। जैसे फॉरेन कंट्रीज में सी शोर पे जो ये लेते हैं, वो धूप लेते हैं, सेकते हैं ना, तो बियर की बॉटल भी गर्म हो जाती है, तो उसके लिए एक छाता बनाया और उसको पेटेंट का नाम दिया है बियर अम्ब्रेला। ओके, द
then you can say this is junior child, US patent. मतलब बच्चे इधर उधर ना जाए. ओके, सिंपली प्लेस बेबी ऑन दिस ऑन हिज बैक एंड सिक्योर. मतलब बच्चा उस स्ट्रैप्स लगा देने से हिलता नहीं है. ओके, तो ये भी एक जूनियर जेल नाम दिया है उन्होंने उसको. देन ये बहुत ही इनोवेटिव इन्वेंशन है एम्ब्रेस. देखिए एम्ब्रेस इन्वेंशन बहुत बहुत इम्पोर्टेंट इन्वेंशन है फॉर प्री मैच्योर बेबीज. अभी देखिए ये एक केस स्टडी है. ये आयशा इज अ बेबी गर्ल हु वेटेड ओनली 1.1 kg एट बर्थ. हर फादर एंड मदर लॉस्ट देयर फर्स्ट टू बेबीज ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर मेडिकल केयर. दे सेव्ड एवरी सिंगल पेनी दे हैड सो दैट देयर थर्ड चाइल्ड कुड बी बॉर्न इन अ सिटी हॉस्पिटल अ 4-hour वॉक फ्रॉम देयर विलेज. Aisha had a very low chance of survival and was kept in an incubator under observation for 10 days. However, as her parents' savings ran out, it was not possible to extend her stay in NICU. Okay. So it was at that point that Aisha was placed in Embrace Infant Warmer for thermal support. And after about a month, she gained sufficient weight and was able to go to home with her parents. देखिए कितना बड़ा invention है, okay embryos. इसका जो patent है आप यहाँ पे देख सकते हो, system and methods to regulate the body temperature. Okay. देखिए ये भी एक concept है ना, hot nuts. देखिए मैंने एक lecture सुना था, उसमें वो सर ने कहा था कि जो बड़े बड़े My PPT is not visible. No, ma'am, it is visible. Visible, madam. Visible, no? Actually, किसी ने मैसेज किया है अभी चैट में. देखिए ये जो है आप देखेंगे कि एक मैंने IPR के ऊपर में सेमिनार अटेंड किया था. वहां पे उन्होंने सर ने बोले थे कि एक उनका बड़ा कैंपस था कॉलेज का, और वो कैंपस के बाहर में एक मूंगफली वाला बैठता था. तो जो वॉक करने जाते थे वो लोग क्या करते थे, थोड़ी मूंगफली ले लेते थे हाथ में उनके पास से और खाते खाते वॉक करते थे. तो एक दिन ऐसे ही मजाक मजाक में उन्होंने वो मूंगफली वाले को पूछा कि 1.5-2 हजार कमाई हो गई. तो उसने मुंह इतना सा छोटा सा कर दिया, क्या साहब गरीब का मजाक करते हो, इतना कैसे कमाऊंगा. तो फिर उन्होंने उस चीज को दिमाग में लाया और वो सोचते गए उसके लिए कि कैसे करना. तो उन्होंने ये सिस्टम डिवाइस की, ये सिस्टम बताई उनको कि आप आके मूंगफली डालते जाओ और हम पैसे डालेंगे उसमें से ले लेंगे. और ऐसे हब्स उन्होंने कैंपस में जगह जगह बिठा दिए, तो नेचुरली उसका सोर्स ऑफ इनकम बढ़ गया. ओके, सो इस प्रकार से भी कुछ कुछ ये है इन्वेंशन जो आपको मदद करते हैं. अभी नॉन पेटेंटेबल इन्वेंशन कौन से होते हैं, एक्चुअली जिसमें नॉवेल्टी नहीं होती है, दीज आर नॉट इन्वेंशन. एंड इन्वेंशन रिलेटिंग टू एटॉमिक एनर्जी, दीज आर नॉट पेटेंटेबल. देखिए जैसे आप एन इन्वेंशन विच इज फ्रिवोलस और विच क्लेम्स एनीथिंग ऑब्वियसली कॉन्ट्ररी टू वेल एस्टेब्लिश नेचुरल लॉज. वेल एस्टेब्लिश नेचुरल लॉज का जो है वो आप कुछ देते हो तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होता है. चोरी करने के नायाब तरीके पेटेंटेबल नहीं होते हैं. ओके, यहाँ पे आपको मैं याद दिलाना चाहूंगी शालीमार फिल्म है, वो कोहिनूर हीरा धर्मेंद्र चुराता है, याद आया होगा आपको, पुराना फिल्म था. ओके, तो वो चेक्स के जैसे अब उसके क्लोथिंग रहते हैं और वो चेक्स को मैच करते करते वो जाता है हीरे तक. C=mc², जैसे फॉर्मूले जो है वो कॉपीराइट का मैटर है. ओके, दीज आर नॉट पेटेंटेड. देन आप देखेंगे कि जस्ट अरेंजमेंट एंड रीअरेंजमेंट ऑफ टू और थ्री डिवाइसेस वो ये नहीं होते, पेटेंटेबल नहीं होते. और सबसे महत्व की चीज है कि ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स, वेदर इट इज मेडिसिनल, सर्जिकल, क्यूरेटिव,
एंड डायग्नोस्टिक थेरापेटिक, तो ये ट्रीटमेंट कभी भी पेटेंट नहीं होता। नहीं तो एक ने बाईपास सर्जरी का पेटेंट ले लिया तो कोई दूसरा बाईपास सर्जरी करेगा ही नहीं इस साल, राइट। तो ये सब चीजों को उन्होंने पेटेंटिंग से बाहर रखा है। इवन मैथमेटिकल फॉर्मूले देन कंप्यूटर प्रोग्राम्स जो होते हैं, एल्गोरिथम जो होते हैं, ये अगेन कॉपीराइट का मैटर है। लेकिन एक अमेंडमेंट हुआ था उसमें, अगर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एक साथ में है तो उसको आप पेटेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। लिटरेरी ड्रामेटिक वर्क, म्यूजिकल, सिनेमेटोग्राफी, टेलीविजन, फिल्म, ये सब चीजें आपको आते हैं कॉपीराइट। ओके, सो वो पेटेंट के लिए ये नहीं है एप्लीकेबल। देन गेम्स खेलने के, जैसे आपने दंगल फिल्म देखी होगी, वो 5 पॉइंट वाला जो ये है युक्ति जो उसके पापा उसको सिखाते हैं, राइट। तो ऐसे जो मेथड्स होते हैं, स्कीम्स होते हैं, रूल्स होते हैं, मेथड्स ऑफ प्लेइंग गेम होते हैं, तो वो पेटेंट नहीं होते। एनीबडी कैन प्रैक्टिस इट एंड बिकम मास्टर। देन रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इज अगेन द मैटर ऑफ कॉपीराइट। ओके, देन टोपोग्राफी ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स, इसका जो है इसके लिए एक अलग हमारे पास में एक्ट है, राइट, इंटीग्रेटेड सर्किट्स के लिए। और आप यहाँ पे देखेंगे कि एटॉमिक एनर्जी, जहाँ पे सीक्रेसी डायरेक्शंस है, तो वो चीजें पेटेंट के बाहर रखे, क्योंकि यहाँ पे हम डिस्क्लोज नहीं करना चाहते हैं टेक्नोलॉजी, इसलिए नॉन पेटेंटेबल। देन प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन द अर्थ कैन नॉट बी पेटेंट। देन ट्रेडिशनल नॉलेज, ट्रेडिशनल नॉलेज एक्सक्लूड किया गया है पेटेंटिंग से, क्योंकि इट इज ऑलरेडी नो। आप कैसे क्या ये करोगे, उसका वैल्यूएशन कैसे करोगे, नॉवेल्टी क्राइटेरिया को कैसे फुलफिल करोगे, बिकॉज इट इज नोन टू द पीपल। हल्दी एंटीसेप्टिक है, हमको हमारे वंशज के वहां से पता है ना, सदियों से पता है हमको कि हल्दी इज एंटीसेप्टिक। देन मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर, ये पेटेंटेबल नहीं है। लेकिन हाँ, एक डिवाइस आप यूज करते हो, बनाते हो, तो दैट कैन बी पेटेंटेबल। ओके, अभी आप ये ट्रेंड्स देखेंगे, पेटेंट एप्लीकेशंस इंडिया में कितने फाइल हुए हैं ईयर वाइज, तो आपको ये ग्रोथ मिलेगी, ठीक है, सिर्फ यहाँ पे कम हुए। और ग्रांटेड कितने हैं इसमें से, अप्लाई हुए हैं, एग्जामिन कितने हैं और ग्रांटेड कितने हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज एक्चुअली द ग्रोथ रेट। ओके, देन इसका एक प्रोसीजर होता है, उसमें सेवरल स्टेप्स जो है वो फॉलो किए जाते हैं। जैसे फाइल करने के बाद में 18 मंथ में आप एप्लीकेशन देना है, जो एप्लीकेंट है उसने उसकी एग्जामिनेशन के लिए। ओके, फिर उसको पब्लिश किया जाता है। पब्लिश करने के बाद में आपको मतलब पेटेंट जर्नल होता है, उसमें वो पब्लिश होता है। फिर लोगों को ऑब्जेक्शन लेने के लिए कुछ समय देते हैं। ऑब्जेक्शन आया तो आपको ऑब्जेक्शन को आपको ये करना, सॉल्व करना पड़ता है करके, ये बहुत बड़ी प्रोसीजर होती है। लेकिन अभी उन्होंने बहुत बहुत ज्यादा इयर्स बचाने की कोशिश की है इसमें से। ओके, पहले बहुत दिन लगते थे, लेकिन अभी उन्होंने एग्जामिनर्स की पोस्ट भी बहुत सारी भरी है, उनको तो ट्रेनिंग भी दिया है, और अभी ये प्रोसेस जो है वो कम समय में होना शुरू हो गया है। दिस इज वाइपो पेज, दैट इज वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इट इज सिचुएटेड एट जिनेवा, स्विट्जरलैंड। ओके, एंड ये इंटरनेशनल लेवल पे पेटेंट ये आईपीआर को गवर्न करती है। उनके कुछ डेटाबेसेस भी है, आप यहाँ पे देख सकते हो, पेटेंट स्कोप है। अभी इसमें आप पेटेंट स्कोप में पेटेंट का सर्च कर सकते हो। देखिए, इसमें मैंने COVID-19 के पेटेंट के लिए सर्च किया तो ये इतने सारे पेटेंट्स मुझे मिले पेटेंट स्कोप में, यू कैन सी दिस। सो देयर इज वन मोर आईपी, दैट इज प्लांट वैराइटीज एंड फार्मर्स राइट्स। यहाँ पे जैसे फार्मर्स लोग अपने खेत में कुछ ना कुछ रिसर्च करते हैं, नए क्रॉप्स, हाइब्रिड क्रॉप्स बनाते हैं, नवीन वाण अपन बनते चलाते, शोधन करते, तो उसका रजिस्ट्रेशन का ये ऑफिस है। इट इज सिचुएटेड एट न्यू दिल्ली।
और इसके लिए पीपीवी एंड एफआर एक्ट है हमारे पास में 2001 में ये एस्टैब्लिश हुआ था एक्ट. ओके सो दिस इज आल्सो वन पार्ट. सी दिस इज द होम पेज ऑफ पीपीवी एफआर आप देखेंगे और यहाँ पे देखेंगे रजिस्ट्रेशन ओपन फॉर 57 क्रॉप्स. अभी देखिए आपको कुछ गाइडलाइंस पे ध्यान देना है. सपोज आपके थीसिस में से या आपके रिसर्च में से अगर कोई पेटेंट आ रहा है, पेटेंट इन्वेंशन कोई आपको लगता है कि इसको फाइल करना चाहिए, तो यू शुड बी वेरी केयरफुल. सबसे पहली चीज आपको जो फाइलिंग करना है वो नया होना चाहिए. सबसे पहली चीज आपको उसमें नॉवेल्टी पॉइंट क्या है उसको स्पेसिफिकली आपको पेटेंट लिटरेचर भी रिव्यू करके आपको देखना है और वो नॉवेल्टी ढूंढ के निकालनी है और उसको लिखना है. राइट एंड डोंट शेयर योर इन्वेंशन विद एनीबडी. ओके आप किसी भी पार्टी में बैठे हो तो भी अपने दोस्त को आपका इन्वेंशन शेयर नहीं करना. बहुत से ऐसे हुए हैं कि आप फाइल करने के पहले आपके दोस्त ने उसको फाइल किया होगा, ऐसे भी केसेस हुए हैं. एंड बेटर नॉट टू पब्लिश द इन्वेंशन और इवन डिस्क्लोज टू थर्ड पार्टी बिफोर अप्लाइंग फॉर द पेटेंट. देखिए आपको ऐसे लगता है कि इसमें बहुत डिले हो जाएगा, मैं पब्लिश कर देता हूँ, पब्लिश करने के बाद में आपको दिक्कतें आती है क्योंकि वो पब्लिक डोमेन में आ जाता है ना आपका इन्वेंशन, तो उसमें नॉवेल्टी प्रूव करने में तकलीफ होती है और उसके लिए कुछ प्रोविजंस है पेटेंट अप्लाई करने के लिए. लेकिन उतना तकलीफ करने के बजाय अगर आपको लगता है इसका पेटेंट मुझे लेना है तो देर इज अ फैसिलिटी ऑफ प्रोविजनल पेटेंट. मतलब आप प्रोविजनल फाइलिंग कर दो, प्रोविजनल पेटेंट मतलब आपको जितना पता है उतना लिख के आप फाइल करके रखो. दैट फाइलिंग डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके और फिर आपको 12 महीने का समय मिलता है टू डेवलप दैट पेटेंट और 12 महीने के अंदर में फिर आप आपका पेटेंट पूरा डेवलप करके लिख के उनको सबमिट कर सकते हो. ठीक है सो ऑलवेज यूज दिस फैसिलिटी ऑफ प्रोविजनल फाइल. ओके देन द इन्वेंशन शुड नॉट बी मोर कॉम्प्लेक्स देन द प्रॉब्लम मेरिट्स. अभी यहाँ पे देखिए जे काम अडकितानी होऊन राहिले त्याच्या करतात स्टोन क्रशर तो इतका असा बनवून राहिलेला आहे, इतकं कॉम्प्लिकेटेड, तो कोई मतलब नहीं है इसमें. राइट इसमें क्या है, इसमें तुम्हारे ऑल रिसोर्सेस वेस्ट हो रहे. तो कोई सच्चा सस्ता और अच्छा तरीका और ऑलरेडी मार्केट में है और आप इतना कॉम्प्लेक्स डिजाइन दे रहे हो तो उसके लिए पेटेंट नहीं मिल सकता है, ये चीज को ध्यान में रखें. देन द इन्वेंटर शुड फुल्ली अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम. देखिए आपको क्लेम्स लिखने होते हैं, सबसे आखिरी पार्ट जो होता है पेटेंट डॉक्यूमेंट का उसमें आपको क्लेम्स लिखने होते हैं. मतलब आपको पेटेंट का मोनोपोली राइट कौन सी चीज के लिए चाहिए, 1, 2, 3, 4, तो वो पॉइंट्स को आपको लिखना होता है. इसलिए आपके दिमाग में कहीं पर भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आपका जो इन्वेंशन है वो पूरा पूरा आपको क्लियर होना चाहिए. देन देयर शुड बी डिमांड फॉर इन्वेंशन. देखिए आपने 3 Idiots फिल्म देखी होगी, उसमें आखिरी सीन याद कीजिए, उसका वो जो फोटोग्राफर दोस्त होता है वो क्या कहता है, अरे भाई तू वही है जिसके नाम पे 400 पेटेंट है वांगुड़ी, तू वही वांगुड़ी है जिसके नाम पे 400 पेटेंट है और पूरा जापान जिसे ढूंढ रहा है. ओके सो आपके इन्वेंशन के लिए ऐसा डिमांड होना चाहिए, लोगों ने आपके पीछे रॉयल्टी लेके आनी चाहिए, अरे हमको तो उसका प्रोडक्ट बनाने है ना, पेटेंट राइट्स हमको दीजिए, तो ये होना चाहिए. अभी देखिए इसमें नॉवेल्टी है, 3 पैर की ट्राउजर बनाई इसकी, नॉवेल्टी तो है लेकिन क्या इसके लिए 3 पैर का आदमी मिलेगा, तो इसका डिमांड ही नहीं है ना. तो ऐसी चीजों के लिए क्या मतलब है पेटेंट अप्लाई का. देन द इन्वेंटर शुड हैव रियलिस्टिक आइडिया ऑफ द वैल्यू ऑफ हिज इन्वेंशन. देखिए हम हमारे इन्वेंशन का वैल्यू हमको को पता होना चाहिए, दैट इज द थिंग. क्योंकि इसमें देखिए पेटेंट फाइलिंग के पैसे लग रहे हैं आपको, उसके बाद में आपको उसको रिन्यूअल के पैसे लग रहे हैं, अगर कोई ऑब्जेक्शन आया तो आपको हायर करने पड़ेंगे पेटेंट अटॉर्नी, ये सब चीजें इसमें इन्वॉल्व है. तो उसका जो रियलिस्टिक आइडिया है वैल्यू का वो आपको होना चाहिए. हैट्स ऑफ दिस पर्सन, रघुनाथ माशेलकर सर, एक्स डायरेक्टर ऑफ CSIR, इन्होंने पेटेंटिंग के क्षेत्र में बहुत काम किया है. उन्होंने भारत के लिए पंचशील दिया था,
वो कहते हैं भारत भारत में चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होना चाहिए, वुमन सेंटर्ड फैमिली होनी चाहिए, वुमन सेंटर्ड डेवलपमेंट होना चाहिए, नॉलेज सेंटर्ड सोसाइटी होनी चाहिए और इनोवेशन सेंटर्ड इंडिया होना चाहिए। उसको इलेबोरेट करेंगे तो देखिए आप यहाँ पे देखेंगे आप में क्रिएटिविटी है, आप इन्वेंट करोगे नई चीज, उसमें इनोवेशन है, उसको पेटेंट मिला, लेकिन जब तक वो इंडस्ट्री में एक्सप्लॉइट नहीं होगा, डेवलपमेंट का साइकिल पूरा नहीं होता है, देन देयर इज नो एज बार, एनीबडी कैन अप्लाई फॉर पेटेंट। देखिए आप यहाँ पे ये टाइम्स ऑफ इंडिया का न्यूज है, देखिए यहाँ पे एक लड़का है 10 साल का, उसने क्या किया, एक फैंटेसी गेम इन्वेंट किया और उसके लिए उसको पेटेंट मिला भी, राइट। देन इन्वेंटर्स जिनके नाम पे बहुत सारे पेटेंट्स है, कुछ नाम मैं यहाँ देना चाहती हूँ, रोमन सिस्कू, देन स्टैनवर्ड, देन बॉब, देन जैकब, जेरोम, मार्विन कामराज, एंड यहाँ पे आप देखेंगे थॉमस एडिसन, 1093 पेटेंट्स उनके नाम पे है। थॉमस एडिसन आपको पता है इनका आविष्कार क्या था, राइट। देन याशिरो नाकामा 3000 से भी ज्यादा पेटेंट्स के नाम पे है। अभी आप यहाँ इसको गेस करेंगे कि ये जो टुकड़े दिख रहे हैं आपको छोटे छोटे, ये क्या है ना, इसका अगर आप गेस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो है ये फॉरेन कंट्रीज में जो ब्रेड के पैकेट्स होते हैं उसमें लगाने वाला टैग है, ओके। लेकिन ये छोटे से टैग के लिए कितने पेटेंट्स अवेलेबल है आप देखेंगे, देखिए मल्टीपल पेटेंट्स आर अवेलेबल, राइट, फॉर सिंपल आइडिया। देन ये प्रेसिडेंट का पेटेंट कहते हैं इसको, क्योंकि ये अब्राहम लिंकन के नाम पे है, ओके। और ये जो मूवमेंट है ये अवार्ड मिला है, ये पाचोरी वाला करके एक इंसान है, इनको एनआरडीसी का बेस्ट पेटेंट अवार्ड मिल रहा है। अपना जो एनआरडीसी न्यू दिल्ली है वो हर साल इनोवेटिव पेटेंट को बेस्ट पेटेंट अवार्ड देती है, तो उस साल इनको मिला। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो इस पचोरी वाला फ्रॉम महाराष्ट्र, इनका इन्वेंशन क्या था, एक्चुअली क्या होता था कि ये जो केमिकल्स के गैलेंस होते थे वो गैलेंस में बीच रास्ते में मिलावट होती, तो ये वहां पे सुपरवाइजर थे ऐसे ही केमिकल कंपनी में, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने वो गैलन के लिए पिलर क्लोजर बनाया, That was his invention. ये देखिए ये ऐसा जाके ऐसा अंदर क्लोज हो जाता है, तो वो निकाले बीच में तो वो तुरंत समझ में आता है, ठीक है। अभी ये भी आप चित्र देख रहे हैं, ये आंख है आंख, और दैट टू इट इज कैट्स आई, इट इज, तो एक साइंटिस्ट थे, जैसे इन्वेंशन कैसे जन्म लेते हैं उसका ये अच्छा उदाहरण है। जैसे हम कहते ना बिल्ली की आंख रात को चमकती है अंधेरे में, तो ऐसे ही एक साइंटिस्ट थे, वो रात को घर में गए तो सामने से बिल्ली कूदी अंधेरे में, उसकी आंख चमकी और उनको एक कॉन्सेप्ट आया माइंड में, एंड दैट वाज द स्टोरी ऑफ कैट आइज। ये कितना बड़ा वरदान है रात को जो जर्नी करते हैं उनके लिए, राइट। तो ये इन्वेंशन वो छोटी सी चीज में से हुआ, इनको भी पेटेंट देना चाहिए जस्ट फॉर द सेक ऑफ पिलर, इन्होंने भी तो आग का जन्म किया, राइट। अभी देखिए पेटेंट के बारे में, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। देखिए ये जो है हमारे टेलीफोन के आविष्कार करता जो है बेल, तो उन्होंने पेटेंट फाइल किया, उसके कुछ दिन के बाद सिमिलर इन्वेंशन लेके एक लेडी पेटेंट ऑफिस अप्रोच हुई, लेकिन इट वॉज ऑलरेडी फाइल्ड तो उनको नहीं बोला गया, राइट। तो फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस। अभी ये स्पेस नेट एक डेटाबेस है, उसमें आप सर्च कर सकते हो पेटेंट लिटरेचर। देखिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले जो लोग हैं, इवन बाकी लोग भी जो है, उन्होंने भी पेटेंट में देखना चाहिए कि कुछ उनके काम की चीजें है या नहीं है ना, तो पेटेंट का भी लिटरेचर रिव्यू लेना एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस मानी जाती है आपके
की टॉपिक्स पर। देखिए यहाँ पे सब ओपन एक्सेस में अवेलेबल है एंड यू कैन सी वर्ल्ड वाइड पेटेंट्स ओवर हियर। ओके आप देख सकते हो ये सारे मैंने पेटेंट डॉक्यूमेंट्स किए हैं। पेटेंट डॉक्यूमेंट इस प्रकार से दिखता है, आप देखेंगे बिब्लियोग्राफिक डेटा होता है, एब्स्ट्रैक्ट होता है, ड्राइंग्स होता है, कंप्लीट स्पेसिफिकेशन होता है और क्लेम्स होते हैं, ये पार्ट होते हैं कोई भी पेटेंट के, उसको उस प्रकार से लिखा जाता है स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर, राइट। इस प्रकार से देखिए दिस इज कंप्लीट स्पेसिफिकेशन और दीज आर द क्लेम्स ना, व्हाट इज दिस क्लेम इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, दैट इज एक्चुअली आपके मोनोपोली राइट्स। आपको कौन सी चीज पे चाहिए, हर एक देश का एक नेशनल पेटेंट ऑफिस होता है, जैसे अपना भी है एंड यू कैन सी फ्रॉम दिस पब्लिक सर्च यू विल गेट द डेटाबेसेस लिंक्स। ओके देन यू कैन सी हमारा पेटेंट ई रजिस्टर ये है, आप एप्लीकेशन स्टेटस को भी चेक कर सकते हैं। इसमें मैंने कंप्यूटर कीवर्ड दिया और कंप्यूटर कीवर्ड से रिलेटेड 4723 इन पास हमारा इंडियन पेटेंट एडवांस सर्च सिस्टम ये लिंक है वो, और 4723 पेटेंट्स आए कंप्यूटर शब्द पे, आप देखेंगे ये एक पेटेंट का बिब्लियोग्राफिक डेटा है। फिर कंप्लीट स्पेसिफिकेशन को आप क्लिक करेंगे तो कंप्लीट स्पेसिफिकेशन आता है, राइट, और क्लेम्स आते हैं। सी दिस इज कंप्लीट स्पेसिफिकेशन, ठीक है। हमारा पेटेंट का जो एक्ट है वो द पेटेंट एक्ट ऑफ इंडिया 1970 है, उसमें अमेंडमेंट्स हुए हैं। देखिए पेटेंट ऑफिस एक जर्नल पब्लिश करता है जिसमें आपके जो फाइल्ड पेटेंट्स है उसको पब्लिश किया जाता है फॉर इनवाइटिंग द अपोजिशंस। ये फॉर्म्स एंड फीस आपको यहाँ से मिल जाएंगे सब इसके लिए। ई फाइलिंग सुविधा भी है और ये हमारा पेटेंट सर्च सिस्टम है, आप यहाँ पे देखेंगे बहुत सारे सर्च फील्ड से आप पेटेंट्स सर्च कर सकते हो एंड इट इज अवेलेबल अंडर ओपन एक्सेस। ओके सो यू कैन इजीली एक्सेस इंडियन पेटेंट डेटाबेस। अभी देखिए हम आते हैं डिजाइन की तरफ। देखिए ये डिजाइन जो होता है मींस द अट्रैक्टिव शेप कॉन्फ़िगरेशन पैटर्न ऑर्नामेंट इंडस्ट्रियल प्रोसेस से जो होती है, तो वो उसके लिए आप इंडस्ट्रियल डिजाइन क्लेम कर सकते हो। इंडस्ट्रियल डिजाइन आपको 10 ईयर्स के लिए दी जाती है, लेकिन अगर आपको 5 साल और चाहिए तो उसका टर्म जो होता है 15 साल आपको मिल जाता है, ठीक है, 10+5। नाउ इंडस्ट्रियल डिजाइन का जो है मैं आपको एक ही बताऊंगी डिजाइन। हाँ ये स्लाइड आप देखिए, आपको जो कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो राइट, तो उसके हर एक ब्रांड का शेप ऑफ द बॉटल अलग अलग होता है, ये चीज अगर आपने नोटिस की होगी तो आपको डिजाइन का कंसेप्ट जो है वो समझ में आ जाएगा। ओके दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल टू अंडरस्टैंड डिजाइन। देन कंज्यूमर प्रोडक्ट्स भी इसमें शामिल होते हैं, जैसे वॉलेट्स है, आयन है, देन कैची है, जैसे पेन्स है, देन टूथब्रश है। ओके फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के भी इंडस्ट्रियल डिजाइन है, देन टेक्सटाइल एंड ज्वेलरी के भी इंडस्ट्रियल डिजाइन है। देन सिंपल एग्जाम्पल टूथब्रश, उसके कितने तो भी डिजाइन अवेलेबल है। ओके देखिए कुछ चीजें डिजाइन नहीं की जाती, जैसे कैलेंडर, सर्टिफिकेट्स, फॉर्म्स, लीफलेट्स, बिल्डिंग प्लान्स, ये डिजाइन नहीं होते। लेबल्स, टोकन्स, कार्ड्स, स्टैम्प्स ये भी नहीं होते। टेक्स्ट, रिलीजियस सिंबल्स भी नहीं होते। देन अगर फ्लैग्स है, एम्बलम्स है, साइंस ऑफ एनी कंट्री है, कंप्यूटर आइकॉन्स है, तो उसको जनरली रजिस्टरेबल नहीं है। देखिए ये हमारा डिजाइन का डेटाबेस आप यहाँ से देख सकते हो। ओके जैसे यहाँ पे मैंने एक सर्च की हूँ, आप देखेंगे सो ट्रेडमार्क, तीसरा है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क सबसे ज्यादा पॉपुलर ऐसा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। व्हाट ट्रेडमार्क इज, ट्रेडमार्क इज अ विजुअल सिंबल इन द फॉर्म ऑफ अ वर्ड, अ डिवाइस और लेबल अप्लाइड टू आर्टिकल्स ऑफ कॉमर्स एज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम सिमिलर गुड्स मैन्युफैक्चर्ड
are built in by others. Okay, देखिए इसमें अलग अलग प्रकार के ट्रेडमार्क्स होते हैं. जैसे कोई ट्रेडमार्क्स में आपको वर्ड्स एंड लेटर्स मिलते हैं, जैसे एप्सन है, बाटा है, गोदरेज है. देखिए आप आंख बंद करके अगर आप गोदरेज शब्द का उच्चारण करेंगे तो आपके सामने ये लोगो ही आएगा, ये यही आएगा, ये ऐसा ही आएगा. दैट इज एक्चुअली द इम्पैक्ट ऑफ ट्रेडमार्क ऑन अवर माइंड, राइट? सो इट गिव्स यू द अलार्म अबाउट द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट. ओके, देन कॉम्बिनेशन ट्रेडमार्क्स होते हैं. जैसे कॉम्बिनेशन ट्रेडमार्क्स में क्या है, यू कैन सी इसमें कॉम्बिनेशन, जैसे लोगो भी है, लेटर्स भी है ना, ग्राफिक्स भी है, तो ये होते हैं. जैसे डिजिटल है, जावा है, सिलिकॉन ग्राफिक्स है, सन है ना, लेटर्स एंड डिजाइन्स होते हैं. अभी ये ट्रेडमार्क के साथ में कभी कभी पंचलाइन होती है. जैसे नागपुर का मूनलाइट स्टूडियो, उन्होंने वहां पर लिखा है, If you are not beautiful, we will make you beautiful. If you are beautiful, we will capture your beauty. तो ऐसे taglines होते हैं. जैसे मैंने कुछ famous taglines यहाँ पे आपके लिए लाइन to understand the concept. That is also the part of the trademark. जैसे life is good, it is LG. Then इससे सस्ता और अच्छा कहीं नहीं. It is Big Bazaar. Then connecting people था Nokia. The world's local bank, it is HSBC. Then you can see अच्छा लगता है, it is club HP. It's all about imagineering, it is L&T. जाओ तो जानो truly Asia, it is Malaysia tourism. Taste भी, health भी, that is Maggi noodles. Okay, so इस प्रकार से वो trademark बनता है. देखिए ठंडा मतलब कोका कोला, you are for sure. इसको लगा डाला तो life झिंगा लाला, Tata Sky. So इसका भी है, that is I'm loving it in March. Okay? I don't know. Then pictures and drawings ka bhi use hota hai trademarks mein. Dekhi ye jo trademark banana hai na, wo bahut artist pick logo ki zarurat hoti hai. और एप्पल का क्या संबंध है, उसके पीछे की भी बहुत सारी स्टोरीज है, राइट? तो ये देखिए मैकडोनल्ड्स डबल आर्च पीकॉक टाइप डिजाइन ऑफ एनबीसी, तो दीज आर लोगोस. साउंड ट्रेडमार्क भी होता है जिसमें आवाज होता है, राइट? जैसे ये जो पर्टिकुलर ट्रेडमार्क है ये बाइक का, तो उसमें सिंह गर्जना का आवाज है. So it is also all the rules of trademark is applicable over here. Hello, shall I continue? Yes ma'am, actually na vel chalela ahe manun participants manat astil. Don ek 40 zale ahe. So madam ajun kiti slides baki hai? Acha. ऍक्च्युअली 2 वाजता यांचे सेमिनार्स आहेत. स्लाइड्स तर भरपूर आहेत पण मग तर मी सोडून देते ना, मी म्हणजे फटफट घेऊन सोडून देते, 5 मिनिटात सोडून देते. कन्क्लुडिंग करून घ्याल, ठीक आहे? येस मॅम, ओके. हा हा, कन्क्लुडिंग करून देते. सी साऊंड मार्क्स पण असतात, त्याच्यानंतर त्याच्यानंतर जिओग्राफिकल इंडिकेशन असतं. शेवटची प्रॉपर्टी जी आहे जिओग्राफिकल इंडिकेशन का मतलब होता है कि व्हेन द प्रोडक्ट इज नोन बाय इट्स जिओग्राफिकल रीजन. जैसे नागपुर का संतरा है, भुसावल के केले है, नासिक के अंगूर है, तो इस प्रकार से उनका भी रजिस्ट्रेशन जो होता है वो जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफिस में होता है. ओके, सो फ्रेंड्स ये 4 इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज है. ओके, तो टाइम लिमिट कम हो गई, लेकिन फिर भी जो फंडामेंटल्स है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के वो अब तक कन्वे हो गए. सो थैंक यू सो मच.
for listening patiently and all the best for your seminar presentation. Okay. Thank you so much, madam. Friends, आपको कुछ पूछना है मैडम से पूछिए. सबको भूख लगी है और टेंशन है सेमिनार का, राइट? ठीक है ना मैडम, काई हरकत नहीं. थैंक यू सो मच मैम फॉर बोथ द डेज योर प्रेजेंटेशंस, अ वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन. थैंक यू सो मच मैम. मैम प्लीज इफ यू कैन शेयर योर थैंक यू विद अस. थैंक यू. यस फ्रेंड्स, नाउ वी विल टेक अ ब्रेक. इंजीनियरिंग वाले पार्टिसिपेंट्स, आप थोड़ा जल्दी लंच करके ज्वाइन करिए और बाकी के भी पार्टिसिपेंट ज्वाइन करने की कोशिश करिए. 2 बजे अपन सेमिनार स्टार्ट करेंगे. इवैल्यूएटर भी 2 बजे आ जाएंगे. तो इंजीनियरिंग वाले जो 5-6 लोग हैं वो लोग थोड़ा जल्दी ज्वाइन करिए सो दैट वी कैन स्टार्ट अवर प्रेजेंटेशन एट 2 PM. ओके, सो नाउ आई एम एंडिंग द मीटिंग. वी विल मीट एट 2 PM. ओके मैडम.